वत्सल भाई, वितराग रत्न विजय जी महाराजा, काव्या बहन, कृपा दृष्टि श्री जी महाराज साहब, एक लड़का एक लड़की प्रभु के शासन को दे दिए उन्होंने। लड़के ने महात्मा के पास थे चौथा व्रत ले लिया, ब्रह्मचार्य व्रत, घर में पूछे बिना चौथा व्रत। इनकी प्रेरणा थी ये जानते होंगे, शायद प्रेरणा भी थी लेकिन इनको तो मालूम नहीं था, पिताजी को मालूम नहीं। और एकाएक लड़का, एक ही लड़का चौथा व्रत स्वीकार कर ले और जब बाप को खबर पड़े, यानी कि क्या हो सकता है आप सोचो। 20 साल की उम्र में चौथा व्रत, 20 साल की उम्र में गंदे दृश्य मोबाइल के नहीं छूटते, 45-50 साल की उम्र में होने के बाद भी मोबाइल के गंदे दृश्य नहीं छूटते, मंदिर में भी आंखें पवित्र नहीं रहती है, उपाश्रय में भी वासना का कीड़ा खत्म नहीं होता है, शादी के 20-20 साल के बाद भी ये दुनिया हमारी समाप्त नहीं होती है, और 20 साल की उम्र में आजीवन चौथा व्रत उनके लड़के ने ले लिया। बाप को मालूम पड़े क्या स्थिति होगी। पिताजी बहुत सरल, बहुत बहुत सरल ये आत्मा, शायद इनके जीवन में क्रिया वाला धर्म ज्यादा नहीं है राजू भाई, कोई प्रतिक्रमण सामायिक शायद इनकी दुनिया आज भी नहीं होगी, हाँ, लेकिन हृदय का जो है ना उनका धर्म वो इतना उत्तम है। जब मालूम पड़ा चौथा व्रत लिया, हम होते तो चिल्लाते किसको पूछ कर लिया, बाप की तो तरफ था, पापा है ना पापा, होम गार्ड का काम करते हैं आज भी कालूपुर में, होम गार्ड का, समझ सकते हो आप। और लड़का चौथा व्रत ले ले, खाते समय मालूम पड़ा कुछ नहीं बोला, खाते समय बात कर रहे अपनी श्राविका को, लड़के ने तो ले लिया नियम, अब उसको कह दे कि तुझे महाराज साहब के पास रहना है तो मेरी रजा है। वो एकदम श्राविका एकदम शॉक में हो गए, क्या बोल रहे हो, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकते थे, उनको लगा कि ऑपोजिट वातावरण होगा, बोलते चौथा व्रत तो ले लिया है, हमारे जाने के बाद शादी तो नहीं करेगा वो, हमारे जाने के बाद उसकी जिंदगी क्या होगी। एक माँ बाप जीवंत है फिर भी अपने फिक्र नहीं करते हैं, और अपने जाने के बाद अपने बच्चे का क्या होगा उसकी उसकी फिक्र करते हैं कि नहीं उसकी उसकी शादी हम तो चले जाएंगे, उसकी क्या दोगे उसको, बोलो अगर उसकी इच्छा है भावना है तो महात्मा के पास रहे। और उन्होंने उनका लड़का रहा, शॉकिंग न्यूज था। और लड़का जब वापिस आया, उनके गुरु महाराज ने तो उनको कह दिया था कि आप पापा के पास चले जाओ, मम्मी पापा के पास रहो, जरूरत है आपकी। ये महात्मा के पास गए कि आप ऐसा मत कीजिए, उसकी भावना है, आप उनको हाँ कीजिए, हम हमारा मत सोचिए। कौन कह रहा है? माता पिता उनके गुरु के पास कह रहे हैं, जबकि गुरु कह रहे हैं कि आपके पास भेज देते हो। और जब एक बार घर पर आए, टेरिस पर लेकर गए उनके, और बोला बेटा खुशी से जा, खुशी से जा, हमारी तरफ मत देखना, आपकी साधना में हम अवरोध नहीं बनेगा, ऐसा करके बेटे को खुशी से उनको रजा दी। होमगार्ड कालूपुर में काम करते हैं, संतोषी, इतने संतोषी जीव है ये, पैसों की भूख 50 करोड़ होने के बाद भी पूरी नहीं होती है हमारी, और ये इतने संतोष वाला जीव है। धर्म क्रिया मैंने कहा ज्यादा नहीं है, जब खाना खाते ही बोला ना कि आप, तो उनके श्राविका ने उनको बोला कि आप क्या बोल रहे हो, हमारा अपना क्या होगा, हाँ अपना क्या होगा, आप दीक्षा हाँ बोल रहे हो तो हमारा अपना क्या होगा। तब उन्होंने हाथ ऊपर करके उंगली की, ऊपर वाला है ना, ऊपर वाले के भरोसे, ऊपर वाले के भरोसे अपने पुत्र को दे रहे ना, तो ऊपर वाला अपना ध्यान रखेगा, ऊपर वाला है ना। खाकी यूनिफॉर्म के कपड़े बेचते हैं संजय भाऊ, संजय भाऊ प्रोग्राम करते हैं ना,
वो संजय बाबू उनके घर पर आए, बताया क्या भाव में बेचते हो, इस भाव में बेचते हो, इस भाव में लाते हैं। उन्होंने समझाया कि इतना कम मार्जिन में क्यों करते हो, इतने कम मार्जिन में, तो आपको मैं बोल रहा हूं आपको इतना कमाना, तो उनका मन रखने के लिए हाँ हाँ कर दिया। लेकिन उनका जो मार्जिन था उससे एक रुपया भी उन्होंने बढ़ाया नहीं कभी। ये संतोष आना है ना, कई भव लगेंगे हमको, हाँ कई भव लगेंगे, हाँ सुनना। लेकिन इस भूमिका में आने के लिए हजारों भव की यात्रा करेंगे ना, तो भी इस भूमिका को हम प्राप्त करेंगे नहीं करेंगे वो प्रश्न चिन्ह है। વાલદી ભરેલ મનને મનાવે છે, એજ વાલદી બાળને વધાવે છે, વીર્ય પ્રગટાવી જે વીરતી અર્પતા, એ વીર માત પિતાના ચરણે